प्रॉपर्टी ब्लॉग पर जिसको आपने बनाया इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉपर्टी चैनल, तो इसलिए हम आपके लिए लगाते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर से ट्रस्टेड जेन्युइन प्रॉपर्टी। आज हम आपके लिए गाजनगर एक्सप्रेस गाजियाबाद में प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। डुप्लेक्स विला है, ये डुप्लेक्स विला है जो की 160 गज में बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल, अगर कमरों की बात करें तो 7 कमरे टोटल आपको मिल जाते हैं। तो किचन मिल जाती है, 4 लेटरिन बाथरूम मिल जाते हैं, एक मंदिर भी मिल जाता है। तो चलिए यहाँ की जो ओनर है उनसे बात करते हैं। अर्जेंट बेसिस पे उनको सेल करना है इसलिए हमारे पास में कॉल आई थी। तो चलिए ओनर से बात करते हैं कि वो क्यों बेचना चाहती है और क्या प्राइस रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको सारी जानकारी चाहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और प्रॉपर्टी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। मैम आपने कॉल किया था ना, आपको आपको घर सील करने चाहिए, तो मैम थोड़ा सा बाहर आ जाइए। अरे आप भी अंदर आ जाइए। थोड़ा सा बाहर से व्यू अच्छा आएगा ना, तो मकान भी दिखता रहेगा दर्शकों को, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप कितने का बेच रहे हैं ये? हम 1 करोड़ डिमांड। 1 करोड़ डिमांड, तो बेचने की वजह क्या है, इतना अर्जेंट में क्यों सेल कर रहे हैं? मेरे जो हस्बैंड है वो कोलकाता में अभी जॉब कर रहे हैं, 5 साल से बनी है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो यहाँ मैं यहाँ। तो आप शिफ्ट करना चाहते हैं? बच्चों को लेके जो है मैं वहीं शिफ्ट शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, ये और वैसे भी हम बंगाली हैं तो हम कलकत्ता में ज़्यादा शिफ्ट करेंगे। तो मैम बंगाल से है इसलिए कलकत्ता शिफ्ट कर रही है, उनके हस्बैंड वहीं पे जॉब कर रहे हैं, इसलिए ये अर्जेंट बेसिस पे बिक रहा है। तो जो भी लेना चाहे तो जल्दी से जल्दी अभी कॉल कर सकते हैं। अच्छा मैम, अगर हम बात कर रहे हैं घर में तो क्या क्या चीज़ें हैं, कितने से हमने बताया कमरे कितने हो जाते हैं? हमारे 7 कमरे हैं, 7 लैट्रिन बाथरूम है, जिसमें 3 बेडरूम है, 1 बेडरूम है, 1 मंदिर है, 2 बिल्कुल नीचे और एक टॉप, बाकी टेरेस है और ऊपर गार्डन है और नीचे भी गार्डन है। आप अंदर आके तो टेरेस गार्डन भी है और नीचे भी गार्डन है, तो एक बार आप दिखा देंगे जरा दर्शक से? तो दर्शकों आ जाइए अंदर की तरफ। ये मेन एंट्रेंस है। अच्छा, ये मेन एंट्रेंस हो जाता है, ठीक है। तो बाइक वगैरह आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं जी। आप बाइक गाड़ी की पार्किंग, और ये देखिए नीचे गार्डन एरिया भी बना रखा है मैम ने, काफी खूबसूरत है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं, हाँ, जो अगर सब्जी बोना चाहे सब्जी बो सकते हैं। ये पार्किंग, ये कार पार्किंग है, ये आपकी कार पार्किंग हो जाती है। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको रेनोवेट करवा सकते हैं, जो चेंजेस कराना चाहे आप करवा सकते हैं। मैम ने जैसा करवा रखा है काफी अच्छा है, बट अपने हिसाब से भी आप करवा सकते हैं इसमें। आप कार चाहे तो यहाँ रखे या बाहर रखे, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी पूरी है, तो सिक्योरिटी काफी अच्छी है यहाँ पे। और राजनगर एक्सटेंशन है ये, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का काफी ख्याल रखा गया है। ये मैम का अंदर से रहता है, तो ये लिविंग एरिया आप देख सकते हैं, ये मेन ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग एरिया होगा, यहाँ पे डाइनिंग है और किचन यहाँ पे मैम जी। ये किचन है, ये किचन है, तो आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस किचन है, ऐसे नहीं है कि वो छोटा सा हो कंजेस्टेड सा, काफी बड़ा है, जैसे कमरे होते हैं ना घरों के वैसा ये किचन है। किचन का अपना दरवाजा भी है, अगर आप चाहे तो इसे ऐसे लॉक कर सकते हैं। तो किचन बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, और बाकी ड्राइंग रूम भी काफी अच्छा है मैम का, काफी अच्छे से सजा रखा है इन्होंने। तो हमारा किचन है, और ये है जो टॉप तक जाएगा, तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो यहाँ टॉप पे ये कॉमन है। बाकी चूंकि हम ये एज ए डुप्लेक्स यूज करते हैं तो हमारा अपना पर्सनल एक स्टेयरकेस है, मैं आपको इससे ऊपर लेके चलती हूँ। तो मतलब दो है आपको, दो सीढ़ियां मिलेंगी, एक तो बाहर मिल जाती है, जैसे कोई मेहमान आता तो बाहर के बाहर जा सकता है, और एक आपको पर्सनली मिल जाती है जिससे आप भी जा सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग कर सकते हो, पीछे देखिए आप वहाँ पे किचन हो जाता है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया हो जाता है, ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है जो आपको नीचे यहाँ अटैच टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, इसमें भी अटैच, हाँ, जो कि वेस्टर्न है, वेस्टर्न है, okay. और एक ये अलमेरा का पूरा जगह बना हुआ है, और ये पूरा अलमेरा भी दे रखा है यहाँ पे। मैं आपको लाइट चला के दिखा देती हूँ, हमारा जो टॉयलेट वगैरह भी बना है तो काफी खूबसूरत है, अलग अलग डिवाइडेड है, मतलब शावर अलग है, वॉशरूम अलग, वॉशरूम अलग है, और सामने आपको अलमेरा मिल जाती है कपड़े वगैरह रखने के लिए इसी के पास पे।
यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं, कार पार्किंग जहाँ पे, तो यहाँ से भी गेट दे रखा है गार्डन की तरफ। आप नीचे यहाँ से भी बेडरूम से भी जा सकते हैं सेपरेटली। आइए मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके दिखाऊंगी। तो ये आपकी जो ना पर्सनल स्टेयर्स है, यहाँ से आप अंदर अंदर जा सकते हो। आपको देख सकते हैं और ये भी काफी स्पेशियस है। इसकी आपकी पर्सनल बालकनी और यहाँ से आपको पर्सनल बालकनी बालकनी मिल जाती है बेडरूम से। तो मैंने ग्रीनरी का काफी अच्छा ख्याल रखा हुआ है सबके अंदर। टेरेस गार्डन भी बना रखा है, नीचे भी गार्डन बना रखा है, तो घर भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए सेम अलमीरा मिल जाती है आपको जैसे नीचे थी, और यहाँ पर टॉयलेट मिल जाता है, और ये भी फिक्स रहेगा, ये प्रेजेंटेबल और ये स्टडी टेबल रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा। तो आपको एज ए चीज ऐसे मिलेगा, ड्रेसिंग भी मिलेगी आपको और ये स्टडी टेबल भी मिलेगा, और ये अलमीरा भी यहाँ की यहाँ ही मिलने वाली है। जो लाइट फैन है वो भी यही रहेंगे, और लाइट और फैन भी यही मिलेंगे आपको जब आप घर खरीदते हैं। ये दूसरा बेडरूम हो जाता है आपका, ये आपका ऊपर मास्टर बेडरूम है, देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। इसमें दो अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल, और ये अलमीरा है यहाँ पे जो कि एज इट इज रहने वाली है जी। इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये हाँ ये भी बाथरूम हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल जाती है। इस रूम की आपकी सेपरेट बालकनी मिल जाती है, यहाँ पे आपको झूला भी मिलने वाला है। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैंने ऐसे शोरूम अपना बना रखा है, तो आप जैसे चाहे वैसे अपना इस्तेमाल कर सकते। तो मैंने ये शोरूम बना रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे आप सोफे वगैरह डाल सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहे उस हिसाब से आप इस कमरे को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा बीच में जो शाफ्ट है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहे और किसी तरह की मतलब गर्मी या उमस ना लगे। तो सभी चीजों का ख्याल रखा है घर बनाने के लिए। घर में हमें 6 महीने लगा सर इसको डिजाइन करने में, क्योंकि ये सारी चीजें अवेलेबल आई है। ये मेन जो स्टेयरकेस नीचे से आ रही है, ये बाहर वाली स्टेयरकेस है जो आपकी बाहर से मेरे एंट्री से स्टार्ट होंगी। तो ये आपका मंदिर हो जाता है, देख सकते हैं आप ये मंदिर हो जाता है जो कि बिल्कुल सेपरेट है। तो मंदिर भी अलग से बना के दिया गया है घर में, और इसमें ये हमारी फिक्स है, ये रहेगी, ये यही करते जी। तो ये स्टोरेज के लिए आपके लिए हमारी यहाँ पे ही रहने वाली है, और अब हम जा रहे हैं तीसरी मंजिल की तरफ। तो ये हमारी छत हो जाती है, तो ये हमारी सेकंड फ्लोर की छत है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन एरिया, देखिए कितना प्यारा बना रखा है मैम ने। तो टेरेस गार्डन ये आप चाहे तो यहाँ पे सब्जियां भी उगा सकते हैं, फ्लावर उगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ये इंडियन टॉयलेट बाथरूम है, जो फोर्थ टॉयलेट बाथरूम है इंडियन, वो छत पे है, तो ये हमारा चौथा हो जाता है। और यहाँ इन्वर्टर के कनेक्शन का पूरा पॉइंट बना हुआ है, वॉशिंग मशीन स्टोरेज। इसका पूरा घर का लेआउट तो होगा ना आपके पास में, मे बी होना चाहिए। एक्चुअली हमने कभी सेल का तो ऐसा सोचा नहीं, और चूंकि इन्होंने खुद ही मतलब बनवाया था तो बनवाया था जी। चलिए फिर भी आप थोड़ा सा जानकारी जरूर दे दीजिएगा, क्या चीज कहाँ पे है अगर कोई परचेज करता है। एक रूम मंदिर के ऊपर ये हो जाता, आप कहें तो मैं खोल के दिखाता। नहीं कोई इशू नहीं है, एक रूम आपको ये मिल जाएगा जो कि लॉक है, और हम मैम को परेशान नहीं करना चाहते तो इसलिए आपको दिखा देते हैं। एक आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है, और एक रूम आपको ये मिल जाता है यहाँ पर, एक ये जिसमें एक छोटा सा किचन है,
देख लिया, ये डुप्लेक्स विला 160 गज में है जिसमें 7 कमरे आपको मिल रहे हैं टोटल। 4 आपको यहाँ पे लेटरिन बाथरूम मिल जाते हैं जिसमें 3 वेस्टर्न है और 1 इंडियन है। 2 आपको किचन मिल जाते हैं यहाँ पे, 1 आपको मंदिर मिल जाता है। तो काफी अगर देखा जाए गार्डन, टेरेस गार्डन भी मिल जाता है और नीचे भी आपको गार्डन मिल जाता है, कार पार्किंग भी मिल जाती है, बाइक पार्किंग भी मिल जाती है। तो काफी अच्छी तरीके से मैम ने बनाया क्योंकि अपने रहने के लिए बनाया था और मैम को अर्जेंट बेसिस पे शिफ्ट करना है इसलिए वो अर्जेंटली इसे बेचना चाहती है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 1 करोड़ रुपए मैम की डिमांड है। अगर आप सभी लेना चाहें तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तभी आप कॉल या मैसेज करें। अगर आप घर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखा रखा है, घर को कोई इशू ही नहीं, आप देख सकते हैं सारा घर। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी लग्जरी प्रॉपर्टी है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज में आती है। टोटल 160 गज एरिया है इस प्रॉपर्टी का। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो ही आप कॉल या मैसेज करें। 1 करोड़ रुपए इसकी डिमांड है, 160 गज में ये बना हुआ है। डुप्लेक्स विला है, नहीं इसे मतलब डुप्लेक्स से ऊपर है, 3 मंजिल कह सकते हैं क्योंकि तीसरी मंजिल पे भी इसमें ढाई मंजिल बना हुआ है टोटल। 2 मंजिल कंप्लीट है और 3 मंजिल तीसरी मंजिल। तो दोस्तों मैम ने बना रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपको घर पसंद आया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, हो सकता है आपका बजट नहीं है बट और आप देख सकते हैं हमने राजनगर एक्सटेंशन कहा तो आपको पीछे दिख रही होंगी बिल्डिंगे, ये बिल्डिंगे हैं आप देख सकते हैं। तो राजनगर एक्सटेंशन में ये विला है, डुप्लेक्स विला होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।